जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंडियन आर्मी टेक्निकल के लिए सेट थर्ड का पार्ट टू, जिसमें कि आपको फिजिक्स एवं केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स एवं केमिस्ट्री देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको मैथ, रीजनिंग और जीके पार्ट थर्ड का करा दिया गया है, साथ में टू प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, 2018 और 2020 का करा दिया गया है। तो उन सबको देखिए, उनसे आपको ज्ञान हासिल होगा और पता चलेगा कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। जो भी प्रश्न होंगे वह 12th स्टैंडर्ड्स के होंगे, तो 12th तक के जो फिजिक्स केमिस्ट्री हैं, मैथ्स हैं, वो जरूर पढ़ लें, तभी आप जो है एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 दिया गया है कि रेडियन इज द एसआई यूनिट। देखिए रेडियन किसका एसआई यूनिट है, आपने पढ़ा होगा एंगल के बारे में, तो आपने एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा जो कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में दो टाइप के एंगल होते हैं, तो कौन कौन से, पहला तो आपका प्लेन एंगल होता है, ठीक है, और दूसरा आपका सॉलिड एंगल होता है। देखिए प्लेन एंगल जो होता है इसका मात्रक एसआई यूनिट रेडियन होता है, और जो सॉलिड एंगल होता है इसका मात्रक स्ट्री रेडियन होता है, ठीक है, STERADIAN, ठीक है। तो ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आप बताइए, रेडियन पूछा गया आपसे, तो रेडियन किसमें आता है, प्लेन एंगल में आता है ना, तो प्लेन एंगल ढूंढिए, आपका यहाँ पर सेकेंड में दिया गया है, तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 दिया गया है कि अहमद एक कार ड्राइव कर रहा है जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी जो है वह 45 किलोमीटर पर आवर है। प्रश्न में आपसे पूछा गया कि एक मिनट में वह कितनी दूरी तय करेंगे, तो सिंपल सी बात है, चलिए क्या करते हैं कि इसको मीटर में चेंज करते हैं, क्योंकि आपका सारा उत्तर मीटर में दिया गया है, तो 45 × 1000 और नीचे क्या हो जाएगा, 1 × 60, इससे ये काट दिए और 23 जा, ठीक है, 250 जा और फिर काट दीजिए 31 जा, 35 जा, तो ये हो गया 15 × 50, तो 15 × 5 जा 750 हो जाएगा, ठीक है, एक जीरो भी आ गया, तो उत्तर आपका क्या हो गया, देखिए उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा कि एक मिनट में जो है वह 750 मीटर की दूरी तय करता है, कौन, अहमद, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 28 आपका दिया गया है, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ जी, मैंने लास्ट वीडियो में भी बातचीत करी थी कि जी इक्वल्स टू क्या होता है, बताइए, जी इक्वल्स टू 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, और स्मॉल जी इक्वल्स टू क्या होता है, 9.8 m/s², ओके। तो बताइए उत्तर क्या होगा, यहाँ पर 28 का जो उत्तर होगा ढूंढिए, 6.67 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये आपका पहला ही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, तो 28 का फर्स्ट उत्तर हो जाएगा, ओके। मैंने लास्ट वीडियोस में जी का फॉर्मूला लिखा था, इस जी का, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछता हूँ आपसे, जी इक्वल्स टू क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक है, यदि आप कमेंट करते हैं इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 दिया गया है कि इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज। देखिए हमने क्या पढ़ा है, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा ना, W इक्वल्स टू एफ डॉट एस और कॉस थीटा, ये पढ़ रखा है। यहाँ पर कह रहा है कि नेगेटिव नकारात्मक वर्क डन, अर्थात ओवरऑल क्या होगा, वर्क डन जो है -1 नकारात्मक, ठीक है, इक्वल्स टू ऐसा क्या होगा कि एफ डॉट एस कॉस थीटा इक्वल्स टू -1 चला जाएगा, अर्थात सिंपल सी बात है, यदि हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें तो यह आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू -1 कब होता है, नकारात्मक कब होता है, जब थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री, तभी तो यह नकारात्मक होता है ना, ठीक है। तो ये आपको ढूंढना है, ये आपको देखिए 29 के 4 में दिया गया है 180 डिग्री, तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, वर्क डन जो है, वर्क डन कौन सी राशि है, ठीक है, कौन सी राशि है ये बताना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 दिया गया है, अ डीप सी ड्राइवर मे हर्ट हिज ईयर ड्यूरिंग ड्राइविंग बिकॉज ऑफ, देखिए ड्राइविंग कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर सी में ड्राइव करना, अर्थात अगर हम तैर रहे हैं सी में
तो गोताखोर के कान के ड्रम में चोट पहुंच सकता है। क्यों पहुंच सकता है? जब भी कोई नदी में तैरने जाता है तो आप देखते हैं कि वो मास्क यूज करता है, ठीक है, एक तो ऑक्सीजन लेने के लिए और ईयर का भी। क्यों करता है? वजह क्या है? वजह ये है कि नीचे समुद्र का जो पानी है उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, हाई प्रेशर होगा, तो उसके कान के ड्रम, अर्थात हमारा जो कान है उसके अंदर ड्रम पाया जाता है, जैसे कि कर्णपट्टिका वगैरह कहा जाता है शायद, ठीक है, तो उसमें चोट पहुंच सकती है। क्यों? उच्च दबाव के कारण, पानी का दबाव उच्च हो जाता है और वहां पर मनुष्य का जो कोमल कोमल अंग है हमारे, जैसे कि कान हो गए, तो ये सब सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या जगह आपका? ड्यू टू हाई वाटर प्रेशर, ठीक है। चलिए तो 30 का उत्तर 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 दिया गया है, तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 37 डिग्री ऑन विच, मतलब 37 डिग्री। देखिए मनुष्य का जो नॉर्मल बॉडी का तापमान होता है, एक स्वस्थ मनुष्य जो होते हैं उनकी बॉडी के लिए हम नॉर्मल तापमान की बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस पैमाने पे होता है, ठीक है, CELSIUS, ये सेल्सियस पैमाने पे होता है। वहीं पर 98.6 डिग्री फॉरनहाइट, ठीक है, ये किस पे होता है? फॉरनहाइट पे होता है, इस पैमाने पे होता है। तो हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं, डिजिटल थर्मामीटर हो गया या नॉर्मल थर्मामीटर हो गया, उसमें क्या दिखाता है? फॉरनहाइट पैमाना आपको दिखाता है। आप कहते हो ना 104 बुखार हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो यही पैमाना होता है फॉरनहाइट। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 37 डिग्री, तो 37 डिग्री जो है वह सेल्सियस स्केल पे दर्शाया जाता है। तो बताइए सेल्सियस स्केल कहाँ दिया गया है? 31 के 4 में दिया गया है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का 4 उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़िए। 32 दिया गया है, आयरन बॉल अर्थात लोहे की एक गेंद है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया हुआ है, ठीक है, और फिर क्या होता है, एक पानीयुक्त मग है और वो पानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है। देखिए दोनों का जो तापमान हो गया, ठीक है, आयरन बॉल का और वाटर का, दोनों 40 डिग्री हो गया, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस। बताइए हीट ट्रांसफर होगा? बताइए जल्दी से, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हीटिंग का हमने क्या सुना है कि हीट फ्लो करता है कहाँ? हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। कहाँ फ्लो करता है? हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। लेकिन यहां पर क्या है, दोनों का टेम्परेचर समान है, कोई पैमाने में भी अंतर नहीं है, दोनों डिग्री सेल्सियस ही है, तो फ्लो ही नहीं होगा, नो फ्लो, ठीक है। तो नोट फ्लो ढूंढिए आप, ये देखिए आपके सेकेंड में दिया गया है नॉट फ्लो, ठीक है, कहीं इसका जो है प्रवाह होगा ही नहीं। तो उत्तर क्या हो गया? 32 का 2 उत्तर हो जाएगा। ओके आगे बढ़े। 33 आपको दिया गया है कि दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति की छवि पतली लगती है लेकिन ऊंचाई सामान्य होता है। एक मिरर के आगे जब आप खड़े होते हो तो इमेज आपको पतला लगता है लेकिन हाइट लगता है आपको कि समान है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि होता क्या है कि आपको जो मिरर होता है वह कन्वेक्स और सिलेंड्रिकल होता है, किसके रिगार्डिंग? तो वर्टिकल एक्सिस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, जब हम किसी भी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा इमेज जो है, हमारी छवि जो है वह पतली दिखाई देती है लेकिन ऊंचाई लगता है कि हाँ बराबरी में हाइट इक्वल है, ठीक है। तो इसी चीज को आपको ढूंढना है। तो ये कहां दिया गया है? तो ये आपको थर्ड में दिया गया है, कन्वेक्स एंड सिलेंड्रिकल विथ वर्टिकल एक्सिस, उत्तल और ऊर्ध्वर अक्ष के साथ बेलनाकार, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि हमारी छवि पतली दिखाई देती है और ऊंचाई समान दिखाई देती है। तो 33 का उत्तर क्या हो गया? थर्ड हो गया ना, ठीक है, आगे बढ़े। देखिए 34 दिया गया है और यहां पर बातचीत की जा रही है कि एक बिंदु से 30 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई के उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है छवि कहां मिलेगी। देखिए सिंपल सी बात है, यदि उत्तल लेंस की बात की गई तो पहले एक मिरर बना लो ताकि आपके माइंड में जो है ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर की बात आते ही आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए फोकल लेंथ जो है वह 30, ठीक है, एफ इक्वल्स टू 30, और एक ऑब्जेक्ट जो है वह मिरर से 30 के दूरी पर है, ठीक है, यहां से यहाँ की दूरी यदि हम माने तो 30 सेंटीमीटर। अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ है इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, जब ऑब्जेक्ट की हाइट होगी तो क्या यदि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रकाशित होगा तो क्या होगा? देखिए एक प्रकाश तो ऐसे जाएगा जो कि उसके फोकल में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ इमेज इस टाइप का बन जाएगा, ये इसका रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्शन हो गया। अब क्या होता है कि एक सामने से प्रतिबिंब बनती है, ये इस पे ऐसे बना
और ये देखिए ये कहां हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। अर्थात ये जो इमेज है, इमेज बनेगा ही नहीं क्योंकि ये इनफाइनाइट तक बढ़ती चली जाएगी, अनंत तक बढ़ती चली जाएगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 34 का फर्स्ट, छवि जो बनेगा वह अनंत पर बनेगा, इन्फिनिटी पर। ओके, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 दिया गया है, मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद, अर्थात जो द्रव तरंगें होती हैं वह किसके साथ जुड़ी होती हैं। तो द्रव तरंगों की बात कर दी गई, तो हर एक पदार्थ में पाया जाएगा, चाहे उसके इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटोन हो, न्यूट्रॉन हो, एटम्स में हो या मॉलिकल्स में हो, ठीक है, यह सभी जगह पाया जाएगा या सबसे रिलेटेड है, सबसे जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिकल, ये सब में है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बताइए, 35 का उत्तर डी अर्थात 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 36 आपको दिया गया है, longitudinal wave is one in which the component of medium oscillated। देखिए longitudinal wave कहाँ जाएगा, जिस तरफ propagation होगा, propagation का जो direction होगा, ठीक है, लहर का प्रसार जिस तरफ होगा उसी तरफ तो घटित होगा ना, तो यही चीज आपको ढूंढना है। perpendicular होता नहीं है along the direction of propagation of wave, ये आपके second में दिया गया है, ठीक है, ये रहा। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 36 का 2 उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े, 37 आपको दिया गया है, सॉप बबल। देखिए सॉप बबल में क्या होता है, यदि हम पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसका रेडियस डिक्रीज होता चला जाता है, रेडियस घटता चला जाता है ना, तो डिक्रीज ढूंढिए। ये सब तो आपको मतलब वन लाइनर टाइप हो गया, यदि आप स्टडी कर रखे हैं एनसीईआरटी का तो आपको उसमें मिल जाएगा, ये सब वन लाइनर चीजें हैं, कॉन्सेप्ट इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। तो 37 का उत्तर क्या हो गया, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 दिया गया है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सर्किट, अर्थात एक सर्किट के माध्यम से विद्युत आवेश का जो प्रवाह का दर होता है वह क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। I इक्वल्स टू क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, एनई बाय टी, और यहाँ पर एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं, प्रवाह होता है जिस इलेक्ट्रॉन्स का, वो कहलाता है ना। तो ये चीजें आपने पढ़ रखा है और यही आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट आपके कहाँ दिया गया है, 38 के फर्स्ट में दिया गया है, तो 38 का फर्स्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी के रिटर्न एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा को और भी अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी एंड अपडेट्स आप सभी के लिए अध्ययन सामग्री लाया है जो कि पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय सेना के मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड्समैन, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क एवं नर्सिंग सहायक के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, कुल 50 प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको 51 से लेकर 55 रुपीज के बीच चार्ज किया जाता है। इस पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसमें आपको 50 मॉडल सेट मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, जिसमें कि प्रत्येक मॉडल सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आप नोट्स, ठीक है, अध्याय वार नोट्स चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, उनके पीडीएफ अवेलेबल है और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको जीके, साइंस, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इन सभी के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लिंक के थ्रू जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उचित मूल्य आपको पे करना पड़ेगा, मूल्य पे करेंगे पीडीएफ आपके ईमेल पे आ जाती है, ठीक है। चलिए एक बार मैं उस स्टोर को दिखा देता हूँ जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये स्टडी एंड अपडेट्स का स्टोर है पीडीएफ का, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देख लीजिए भारतीय सेना में नर्सिंग, ठीक है, टेक्निकल, सभी के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं। आपको जिस भी टाइप का पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मूल्य आप पे कीजिएगा और याद रखें यहाँ पर जब पीडीएफ खरीदें तो अपनी ईमेल आईडी सही दें। यदि आप सही ईमेल आईडी दोगे तो फिर पीडीएफ के डाउनलोड के लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे आएगा और फिर आप आसानी से उस चीज को डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। और यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारा नंबर जो है नीचे दिया गया है आप देख सकते हो, ये रहा 7979946092। आप हमें व्हाट्सएप करोगे, कॉल अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप करें या फिर आप studyinupdates@gmail.com इस पे कॉन्टेक्ट करें। किसी प्रकार की दिक्कत होगी आपकी सुनवाई की जाएगी और आपको पूर्ण मदद किया जाएगा, ठीक है। 39 दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ एवं साउथ, ये दो पोल्स हैं एक मैग्नेट के।
तो क्या होता है जब हम आयरन पीसेस को, ठीक है, आयरन पीसेस को मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो देखते हैं कि आयरन पीसेस को वह अपनी ओर खींचता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह मैग्नेट के आसपास ही होता है और यह एक प्रकार का फोर्स होता है और यही फोर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है जो कि आयरन पीसेस को अपनी ओर खींचता है। और यह क्या है, यह आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला। वन टेस्ला इक्वल टू क्या होता है, वन टेस्ला इक्वल टू वन न्यूटन बाय वन न्यूटन का एन, ठीक है, और बाय वन एम्पियर मीटर। ठीक है, वन टेस्ला इक्वल्स टू लिख दो, वन टेस्ला इक्वल्स टू वन न्यूटन बाय वन एम्पियर मीटर, ये हो जाता है। देखिए यहां पर टेस्ला की बात की गई है। और चलिए बताइए विश्व के अभी जो सबसे अमीर आदमी बने थे, ठीक है, वो टेस्ला से रिलेटेड है, तो उनका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, उनका नाम बताइए। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाएगा कि टेस्ला कंपनी के मालिक कौन है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्योंकि नई नई चीजें यदि आप याद करते रहोगे, सीखते रहोगे, और मैं क्वेश्चन पूछूंगा, यदि आपको नहीं आएगा तो आप ढूंढोगे जरूर, ठीक है, ढूंढोगे तो नॉलेज बढ़ेगा, किसी चीज को पढ़ने, प्रयत्न करने, अभ्यास करने, इन सबसे आपका नॉलेज बढ़ेगा। यदि आप नहीं करते हो तो नॉलेज नहीं बढ़ेगा, ठीक है, इसलिए प्रयत्न करते रहो, इतनी कोशिश करते रहोगे जिस फील्ड में आप जाओगे उतना नॉलेज आपके पास हो ताकि आप आसानी से एग्जाम्स को क्रैक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया है, चलिए उस पे आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, 40 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बातचीत की गई है और बहुत ही अच्छा प्रश्न ये दिया गया है। देखिए नॉर्थ और साउथ, ये हमारा मैग्नेट हो जाता है, और इस मैग्नेट में क्या होता है बताइए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ट्रेवल करता है बताइए। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वह नॉर्थ से साउथ की तरफ चलता है। ठीक है, जैसे नॉर्थ से स्टार्ट हुआ और साउथ में जाकर एंड हो जाएगा, नॉर्थ से स्टार्ट हुआ साउथ में जाकर एंड हो जाएगा, नॉर्थ में स्टार्ट हुआ और साउथ में जाकर एंड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वर्क करती हैं। ठीक है, ये यहां से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इस रूप में यहां पर आकर एंड हो जाते हैं, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए इसे कुछ पॉइंट बताता हूं। पहला पॉइंट है कि चुंबकीय रेखाएं जो होंगी वह आपके बंद आकृति कर्व के रूप में होंगी जो कि यहां पर आप देख रहे हैं। सेकंड देखिए, सेकंड ये है कि ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, कभी भी एक दूसरे को विच्छेदित नहीं करेगी। ठीक है, चलिए चलिए तीसरे पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वह मैग्नेट के पास प्रबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैग्नेट से दूरी बढ़ती जाएगी या क्या होंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, और चौथा मैं आपको बता दूं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर होती है एवं बराबर दूरी पर होती है। ठीक है, तो ये चार पॉइंट हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए इन्हीं में से अब तो सामने आ गया, डू नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, डू नॉट इंटरसेक्टिंग, मैं जो दूसरा बोला कि ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो 40 का उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होता है और केमिस्ट्री में अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। आपका 41 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ आयोनाइज गैस। आयोनाइज गैस इनकी प्रबलता क्षमता जो होती है वह ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा प्रबल कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा प्रबल जो होता है वह प्लाज्मा होता है। सूर्य और तारे जो हैं वह प्लाज्मा में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें आयोनाइज गैस पाए जाते हैं। ओके, तो उत्तर देखिए सबसे पहले 41 का पहला हो जाएगा प्लाज्मा, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। अच्छा बताइए पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है, फिफ्थ स्टेज क्या है, मैटर का फिफ्थ स्टेज क्या है, इसका आप शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो फिफ्थ स्टेज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 दिया गया है, द थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन एटम। देखिए किसी भी कंपोनेंट, किसी भी पदार्थ का बेसिक क्या होता है, तो देखिए न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन जो होते हैं वह इसके क्या होते हैं, सेंटर में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, किसी भी एटम का। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ये तीन आयाम होते हैं, तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कि आपके सेकंड में दिया गया है, तो 42 का 2 उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
फोर्टी थर्ड दिया गया है हु क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू ट्रेड्स। देखिए तत्वों के वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो तत्वों के वर्गीकरण में सर्वप्रथम कौन आते हैं, डेवो राइनर आते हैं। डेवो राइनर देखिए यहां पर आपको दिया गया है फोर्थ में। डेवो राइनर जो है इन्होंने क्या किया था कि पदार्थों को तत्वों को क्या किया था त्रिक आधार पर, ठीक है, त्रिक आधार जिसको कि ट्रेड्स कहा जाता है, इसके आधार पर वर्गीकृत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक त्रिक के बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार तथा गुणधर्म होगा शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार तथा गुण के औसत के बराबर होता है। ठीक है, तो यही चीज तो आपसे पूछा गया था और सबसे पहले जो पदार्थ का वर्गीकरण किया वह इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो उत्तर आपका 43 का 4 हो जाएगा। चलिए इनके बाद कोई आए, कौन आए, न्यूलैंड्स आए। ठीक है, न्यूलैंड्स आए, उन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ ऑक्टावेट्स अर्थात अष्टक सिद्धांत, मैं लिख दूं लॉ ऑफ ऑक्टावेट्स दिया इन्होंने, अष्टक का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या बोला कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार और क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तो प्रत्येक आठवां तत्व का जो गुण होगा वह प्रथम तत्व के समान रहेगा, यह इनके द्वारा दिया गया था। फिर इनके थ्योरी को कोई गलत करते हुए आ गए, कौन आ गए, तो वो थे मेंडलीव बाबू, मेंडलीव जी आ गए। और मेंडलीव जी 1869 में आए और उस समय 63 तत्व ही ढूंढ पाए थे। इन्होंने क्या किया, इन तत्वों को क्या कर दिया, एक सारणी में लिख दिया, उस सारणी को बोले गया आवर्त सारणी। ठीक है, उस समय इन्होंने क्या किया कि इसको 8 ग्रुप एवं 7 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर इनको भी गलत करते हुए आ गए, कौन आ गए, मोसले आ गए, जिसको कि आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। मोसले ने दिया, उन्होंने 1913 में दिया और 1913 वाला जो सारणी है उसको आधुनिक सारणी कहा जाता है। ठीक है, और आधुनिक सारणी में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पे उनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वह उनके आवर्ती फलन होते हैं, इस आधार पर बांट दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्रम चला ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैंने सेट फर्स्ट में बातचीत करी थी कि नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट, दोनों आधार पे आप बताएंगे किताब में कितना दिया गया है और 2009 के अनुसार जो रिसर्च हुआ उसमें कितना बताया गया है, दोनों का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आप वीडियोस को अच्छी तरीके से देखते हैं तो इन सब चीजों पे आप ध्यान दिए होंगे, यदि ध्यान दिए हैं तो कमेंट कीजिए, तभी तो मजा आएगा। पढ़ने का असली मजा तब है जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 दिया गया है, यहाँ पर सिंबल की बात की जा रही है ना, और सिंबल में भी आपसे क्या पूछा गया, सोडियम का Na हो जाता है ना, सोडियम का Na जो कि यहाँ पर 4 में दिया गया है, ये आपका नियोन का, नियोन क्या है, ग्रुप 18 का एलिमेंट है ना, ग्रुप 18 है। ठीक है, SO कुछ नहीं होता। ठीक है, और S सल्फर का होता है जो कि ग्रुप 16 का एलिमेंट है। ठीक है, ग्रुप 16 का एलिमेंट। ओके, सारा डिस्कस हो गया। तो 44 का उत्तर क्या हो गया, Na ना, सोडियम Na जिसका कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। तो उत्तर क्या हो गया आपका 44 का, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े 45, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्या दिया गया है, इफ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 आर एडेड टू 15.0 ग्राम ऑफ CH3COOH सॉल्यूशन, द रिसाइट इज फाउंड टू बी वेट 18.0 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज्ड इन द रिएक्शन। हमें CO2 का मास निकालना है रिएक्शन के दौरान जो रिलीज हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या याद है कुछ, यहाँ पर जो है एक तो आपको मॉलिकुलर वेट और गिवन वेट, ये दोनों चीज, ये जो दिए गए हैं ये आपके गिवन वेट हैं और यहाँ पर आपको मॉलिकुलर वेट भी पता होना चाहिए तभी आप आसानी से कर पाओगे। बताइए NaHCO3 का मॉलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन कीजिए जल्दी से, ये आपका 84 हो जाएगा। ठीक है, CH3COOH इसका मॉलिकुलर वेट आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए CO2 का मॉलिकुलर वेट आपका 44 होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, CH3CONa सोडियम के साथ वाला, ठीक है, जिसका कि 82 होता है, क्योंकि इक्वेशन जो है वो मैं आपको लिख देता हूँ, इक्वेशन इसका है कि NaHCO3 प्लस CH3COH इट प्रोड्यूसेस CH3CONa
प्लस सीओ टू, ठीक है। ये पूरा पूरा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आधी चीजें दी गई है यहां पर, तो हमें क्या करना है, उन आधी चीजों का प्रयोग करके हमें क्या करना है, इसका मास निकालना है कि CO2 कितना बनेगा, ठीक है, CO2 का मास क्या होगा। तो चलिए चलते हैं, हमने क्या पढ़ा है यहां पर NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 का मोल्स क्या होगा ये निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 इक्वल्स टू क्या होगा, इसका क्या फॉर्मूला है, गिवन वेट, गिवन वेट बाय में क्या हो जाएगा, बाय में आपका मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना है, गिवन वेट आपको 6.3 ग्राम, 6.3 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट आपका NaHCO3 का 84 है ना, 84 डिवाइड कीजिए 0.075 मोल निकल के आया, इतने नंबर ऑफ मोल्स पाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए कार्बन के मोल्स बताने हैं हमें ना, तो आपको पता होगा ना कि वन मोल रिएक्टेंट कंबाइंड टू प्रोड्यूस वन मोल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो 0.075, तो CO2 के कितने मोल्स हो जाएंगे, CO2 के कितने मोल्स हो जाएंगे, 0.075 इंटू 44 है ना इसका 44, तो इसको 44 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या निकल के आएगा 3.3, ये हो जाएगा, ठीक है, 3.3 ग्राम जो होगा वह मासस हो जाएगा CO2 का, ठीक है। तो 3.3 ग्राम आपके फर्स्ट में दिया गया है, तो 45 का फर्स्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 45 का फर्स्ट उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 दिया गया है, द प्रोसेस ऑल्सो नेम्ड एज डी इलेक्ट्रोनेशन। देखिए देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कह लीजिए कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके दौरान होता है, ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजेशन के दौरान होता है। तो ऑक्सीडाइजेशन आपके 46 के बी में दिया गया है, ठीक है, तो उत्तर आपका बी या फिर सेकंड कह लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 47 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एंड एसिड आर यूज टू प्रिपेयर डाइहाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। डाइहाइड्रोजन डाई मतलब दो, तो दो हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हमें यह पता करना है क्या इसका इक्वेशन आपको याद है, जेड एन प्लस टू एच सी एल प्रोड्यूसेस जेड एन सी एल टू प्लस एच टू, एक तो ये होता है और एक और भी होता है जो एच टू एस ओ फोर के साथ वाला इक्वेशन है, वो भी आपको याद रखना है, जेड एन प्लस एच टू एस ओ फोर प्रोड्यूसेस जेड एन एस ओ फोर प्लस एच टू, ये दोनों है, ठीक है। यहाँ पर आपको HCl वाली बात की गई है ना, सभी जगह देख लीजिए जिंक और HCl की बात की गई है, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड होगा, ग्रेनुलेटेड जिंक विद डाइल्यूट HCl, है ना। चलिए सेकंड वाला उत्तर हो गया आपका, तो 47 का टू हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़िए, 48 दिया गया है, ये तो बच्चा भी कर लेगा, चलिए ये प्रश्न जो है आपके लिए होम असाइनमेंट है, होमवर्क के रूप में है, ये तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ही है, सबसे हार्डेस्ट एलेट्रोप ऑफ कार्बन क्या है, कार्बन का सबसे ठोस अपरूप क्या है, ये सभी जानते हैं, तो 48 का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट होना ही चाहिए, जितने व्यूज उतने कमेंट्स, ठीक है, मैं आशा करूंगा कि जितने व्यूज हैं उतने कमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 दिया गया है कि एसिटिक एसिड कमजोर एसिड क्यों होता है, बस एक ही रीजन है, इसका जो आयनाइजेशन होता है वह स्मॉल होता है, इसका आयनीकरण, ठीक है, आयनीकरण जो होता है वह छोटा होता है, स्मॉल होता है आयनाइजेशन, इसी वजह से क्या होता है यह कमजोर होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 49 का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 50 दिया गया है, द मोस्ट वाइडली यूज सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन एग्रीकल्चर। देखिए खेती करते हैं आप लोग, कुछ तो बच्चे ऐसे होंगे जो किसान परिवार से होंगे, है ना, तो आप लोग देखे होंगे कि यूरिया का प्रयोग हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, है ना, क्यों करते हैं, क्योंकि पौधों को नाइट्रोजन चाहिए होता है, तभी तो वो विकास कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि पहले एक बार दलहन की खेती की जाती थी, उसके बाद दूसरी खेती, तो उससे क्या होता था कि खेतों में उर्वरा बनी रहती थी, नाइट्रोजन बनी हुई रहती थी, लेकिन अब क्या होता है कि दलहन की खेती बहुत ही कम की जाती है, ठीक है, क्योंकि सभी को पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाने हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है कि खेत की उर्वरा दोबारा वापस नहीं आ रही, तो उस उर्वरा को कैसे लाएंगे, तो हम लोग क्या करने लगे, फर्टिलाइजर का प्रयोग करने लगे, और फर्टिलाइजर में यूरिया का प्रयोग देखते होंगे आप लोग बार बार किया जाता है, क्यों, ताकि पौधों को नाइट्रोजन मिले, पौधा विकास करेगा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 50 का फर्स्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका
थर्ड सेट यहां पर खत्म होता है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आप सभी के सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स का एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिमिटेड लोग ही जुड़ पाते हैं, वहां पर ज्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, बच्चे कमेंट करते हैं, इसलिए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है जो कि स्टडी एंड अपडेट्स के नाम पे है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, ठीक है। आप यहां से जुड़ सकते हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो यहां पर डाल दी जाती है ताकि आपको हर एक न्यूज मिल सके, एक ही मिस ना हो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर आपके इस सेट का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला, तो उन्हीं सब वजह से यह बनाया गया है ताकि आप लोग प्रत्येक चीजों का नोटिफिकेशन ले सकें, जो भी सेट डाली जाती है, जो भी जॉब्स आते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल चीजें होती हैं, वो सभी आपको इस ग्रुप में दे दिया जाता है ताकि आप अपडेटेड रहें और प्रत्येक चीज को आसानी से प्राप्त कर सके। इसकी विशेषता क्या है ग्रुप की, यदि आप प्रैक्टिस सेट्स ढूंढ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट्स डाला गया है वो यहाँ पर दिखाई देगा, आप जाकर आसानी से उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे, ठीक है। यदि जीके से रिलेटेड कोई चीज डाली जाती है, जीके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी चीजों का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीकों से यहाँ से आप पीडीएफ की लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, वीडियो के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो और वीडियोस को आसानी से देख भी सकते हो, ठीक है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फेसबुक ग्रुप पे आके जुड़िए, बहुत ही बेहतर होता है, सभी को एक बार में नोटिफिकेशन चली जाती है, ठीक है। तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे हमें रिक्वेस्ट आएगा, हम आपको अप्रूव कर दिया करेंगे और आप आसानी से ग्रुप में जुड़ जाओगे, ठीक है।